परिचय दे, क्या मामला हो गया था, किस तरीके? मैं जितेंद्र चौरसिया, मेरा घर पुरानी तहसील पे, डॉक्टर ऋषि तिवारी के आगे। जी जी, क्या मामला था? जी मेरा बनोई थे वो, हाँ, और ये लेबर का काम करते थे, मिक्सर मशीन ढलाई वाली। तो उन्होंने वो अपने घर से चले और पुरानी तहसील पर प्रभात तारा के स्कूल के पास संतोष यादव जी का मकान था, उन्हीं के यहाँ ढलाई हो रही थी। ढलाई का कार्यक्रम खत्म हो गया, वो खोल रहे थे नट। नट खोलने के बाद पैर उनका अब कैसे फिसल गया, क्या हुआ, ये तो हमको जानकारी नहीं मिली। उसके बाद से वो जो मालिक थे मिक्सर मशीन वाले और उनके घर वाले, किसी को सूचना न देते हुए भी वो ऑटो में रखवा के उनको उनके घर भेजवा दिए पिड़वल मोड़ पे। लारी, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद से फिर हमको फोन आया कि ये गिर गए हैं और ये बेहोश पड़े हुए हैं 2 घंटे से। तो हम कहे कि तुरंत फातिमा हॉस्पिटल लेके आइए, और हम अपने अपने ऑफिस का काम छोड़ के तुरंत फातिमा हॉस्पिटल पहुँचे और इन लोगों को तुरंत बुलवाए। फातिमा हॉस्पिटल गए तो फातिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेक किए और बोले कि इनको ले जाइए सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल हम फिर तुरंत लेके आए। सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेक किए, कुछ देर बाद बोले कि ये बहुत आप लेट कर चुके हैं, ये एक्सपायर कर चुके हैं ये। अच्छा, क्या लापरवाही में जान गई? जी ये लापरवाही में जान गई। डॉक्टर ने बताया कि कितने देर पहले इनकी जान जा चुकी है? नहीं, ये तो नहीं बताया कि कितने देर पहले, ये बोले कि आप बहुत लेट कर चुके हैं। जान जा चुकी थी, मतलब हॉस्पिटल पहुंचते हुए मर चुके थे। किसे दोषी मान रहे हैं इस घटना को? मैं तो दोषी मान रहा हूँ, जो ठेकेदार है उसको मान रहा हूँ। कौन था ठेकेदार? कौन, चौहान है, देवेंद्र चौहान है, सरहरा घर है उसका, मिक्सर मशीन वाला। और किसके घर में आपका काम चल रहा था? काम संतोष यादव जो है। किस जगह? ये पुरानी तहसील पे है। तो क्या एप्लीकेशन भी देंगे किसी? जी हम एप्लीकेशन तो दिए हैं कोतवाली में। किसके नाम? क्या है मृतक जो थे? अशोक चौरसिया, जो इनका घर लिलारी भरौली है। क्या लगेंगे आपके? ये हमारे बहनोई थे। ठीक ठीक, थैंक यू।